वेलकम टू आर्ट्स एंड पेपर। दिस इज तब्दील रहमान। ये क्लास उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो NFTs में आना चाहते हैं, अपना अकाउंट वगैरह बना चाहते हैं और लिस्टिंग वगैरह करना चाहते हैं। तो मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया था कि ब्लॉकचेन NFTs वगैरह क्या होता है और अगर आपको आना है कि नहीं आना, वो सब मैंने आपको उसमें बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर लिंक में डाल रहा हूँ, आप वहाँ जाके पहले वो वीडियो देखें फिर इस वीडियो पर आए, ठीक है। तो ये बेसिकली पांच स्टेप हैं आपको NFT क्रिएट करने से लेकर NFT अपलोड या लिस्टिंग करने तक। तो पांच स्टेप कौन से हैं? नंबर वन, आपको अपना वॉलेट बनाना है। वॉलेट कहाँ बनाना है? वो है एक मेटामास्क, एक सॉफ्टवेयर है या एक वेबसाइट है जहाँ पे जाकर आपको अपना वॉलेट क्रिएट करना है, ठीक है। नंबर टू, वो जो वॉलेट आपने बनाया है वो NFTs के प्लेटफॉर्म पर जाके सिंक करवाना है। कौन से प्लेटफॉर्म है वो? वो है, अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ जिस वीडियो में, वो है OpenSea। OpenSea एक वेबसाइट है जहाँ मैंने खुद भी एक्सपीरियंस लिया हुआ है और मैं वहाँ से आपको बताऊँगा कि आपको कैसे वॉलेट, अपना मेटामास्क वाला वॉलेट जो है वो OpenSea पे सिंक करवाना है। नंबर तीसरा जो स्टेप है वो है कि आपको कैसे अपना जो है आर्ट क्रिएट करना है। ये वाला जो स्टेप है इसकी वीडियो मैं अलग से बना चुका हूँ और मैं बिल्कुल इस वीडियो के बाद अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो में मैंने इसलिए डाली क्योंकि इस वीडियो की डायरेक्शन चेंज हो जाती, तो इस वीडियो के बाद मैं अगली जो वीडियो डालूंगा वो हाउ टू क्रिएट NFT है, तो वहाँ जाके आप वो जाके देख सकते हैं। तीसरा स्टेप क्या है? हाउ टू क्रिएट NFT। अच्छा, तीसरे, अगर आपने आर्ट बना लिया तो उसको आपको अपलोड करना है, चौथा स्टेप। और पांचवा स्टेप है वो जो अपलोड किया हुआ है आपने आर्ट, उसको लिस्टिंग करना है, सेल करना है, ठीक है। तो ये पांचों स्टेप मैं आपको बताऊंगा विद लाइव जो है आपको डेमो दूंगा कि कैसा आपको ये सब करना है। चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो सबसे पहले जो है मैंने आपको बताया था कि आपको पांच स्टेप करने हैं। तो नंबर वन स्टेप है आपको मेटा मास्क पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। सिंपल, आप यहाँ पे जाके लिखे metamask.io, तो ये जो है आपके पास स्क्रीन आ जाएगी जहाँ से आपको अपना एक्सटेंशन डाउनलोड करवाना है और वहाँ पे आपको अपने अकाउंट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले स्टेप जो है यहाँ पे डाउनलोड कर लें। ये पूछ रहा है आपको क्रोम पे चाहिए, iOS पे चाहिए, एंड्रॉयड पे चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि मैं क्रोम पे खोला हुआ तो यहाँ पे खुद ही ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा और लिखा हुआ जाएगा इंस्टॉल मेटामास्क फॉर क्रोम। तो ये गूगल क्रोम पे मैंने यहाँ पे गया, उस पर क्लिक किया और यहाँ पे ऐड टू क्रोम कर दिया, ऐड एक्सटेंशन। तो ये देखें यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो गया। अब यहाँ पर जब तक डाउनलोड हो रहा है, ये देखें डाउनलोड हो चुका है, एडिंग टू क्रोम लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो रहा है और आपके क्रोम पे ऐड हो रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। अब लिखा हुआ है कि मेटामास्क हैज बिन एडिड टू क्रोम, इसको यहाँ से क्लोज कर दें और ये ऑटोमेटिक एक नई स्क्रीन खुल जाएगी जहाँ पर लिखा हुआ गेट स्टार्टेड। पुरानी वाली जो स्क्रीन थी उसको आप क्लोज कर दें और यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएशन वाला काम शुरू हो गया। अभी देखें यहाँ पे जहाँ पे आप माउस लगा रहे हैं कैसे ज़बरदस्त इंट्रैक्शन की हुई है, जहाँ पे आप माउस लगा रहे हैं वहाँ पे वो फॉक्स वहाँ पे लेकर आ रहा है, ठीक है। तो लिखा हुआ है वेलकम टू मेटामास्क कनेक्टिंग टू एथेरियम और जो भी लिखा हुआ है उसको आप गेट स्टार्ट कर दें। वी आर हैप्पी टू सी यू अगेन अगेन, नहीं तो मैंने खुद ही पढ़ लिया, पता नहीं क्यों। अच्छा खैर, न्यू टू मेटामास्क, यहाँ पे आपका अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो यहाँ पे आप रिकवरी वगैरह कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल नए हैं तो क्रिएट आप वॉलेट करेंगे। यहाँ पे ये कुछ बातें बता रहे हैं कि आपको इम्प्रूव कैसे करना है, एग्री डिसएग्री, क्योंकि आपको बनाना है तो आपका ऑप्शन नहीं है तो आप एग्री कर लें, अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे आई एग्री किया। आपको पासवर्ड रखना है यहाँ पे, तो मैं कोई सा भी पासवर्ड रख देता हूँ। पासवर्ड थोड़ा स्ट्रांग रखिएगा ताकि आपका जो है वो कोई सी सिक्योरिटी में इशू ना करें, ठीक है। तो हम वहाँ पर रिपीट पासवर्ड कर दें। यहाँ पर जो लिखना है वही लिखना है, यहाँ पर 8 कैरेक्टर मिनिमम होने चाहिए। यहाँ पर आई हैव रीड द एग्री टू द टर्म्स एंड यूज, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट करें तो यहाँ पे एक ट्यूटोरियल दे रहे हैं कि आपको ये होगा, उसको स्किप कर सकते हैं आप चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पे आप प्ले करेंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा सीक्रेट रिकवरी वगैरह क्या होते हैं। अब इसमें ये बता रहा है कि अगला जो स्टेप है उसमें एक ऐसा फ्रेज आने वाला है जो आपको सेव करना है, और वो क्या है स्टेप मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट किया मैंने, अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू रिवील सीक्रेट वर्ड्स, सीक्रेट रिकवरी फ्रेज है। अगर आपका पासवर्ड वगैरह भूल जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए, तो यहाँ पे आके आप रिकवरी फ्रेज जो है कर सकते हैं। अगर आपने इसको स्टेप को इग्नोर कर दिया तो आपका अकाउंट बड़ा मुश्किल में पड़ जाएगा और आपके फ्यूचर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और ये देखें एक फ्रेज़ आ गया, ठीक है। ये कॉपी वगैरह नहीं हो सकता। आप सिंपल क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे पहले विंडोज़ और प्रिंट का बटन दबाएं तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेगा। इसके अलावा अगर आप मैक वगैरह पे काम कर रहे हैं तो Command 3, Command 4 वगैरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अब मैं नेक्स्ट करूँगा
तो ये क्या करेगा, अभी यही जो फ्रेज है वो आपको ला के दे देगा आगे अगले स्टेप में, और उसको आपको खुद लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट करता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अब आपको वो रीराइट करना है सिक्योरिटी की वजह से, तो जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था वो मैं खोल लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा स्क्रीनशॉट था जो मैं खोल रहा हूँ, और इसको इस विंडो थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ। अब देखें सबसे पहले कौन सा स्टेप है, केस अल्फा टोस्ट ऑलवेज, सही है। तो क्या था यहाँ पे, आपको सर्च करना है केस अल्फा और तीसरा था टोस्ट ऑलवेज, यहाँ पे टोस्ट ऑलवेज अपॉन क्रॉल केक, वो सब आपको सीक्वेंस ही लिखना है, क्रॉल केक ऐसा ही है ना, ऑलवेज अपॉन क्रॉल केक, टीम प्लेस जाइंट, टीम प्लेस जाइंट फ्लिप फाइन, फ्लिप फाइन, ठीक है। मैंने सीक्वेंस से लिख दिया है, मैं कंफर्म करूंगा, और ये इसने बता दिया कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस आपका ये पास टेस्ट कर चुके हैं आप, और जो है ऑल डन, ठीक है। अब ये कुछ चीज़ें बता रहा है, अभी ये बाद में देखेंगे इसका क्या सीन है, इसको क्लोज कर दें फिलहाल। और आपका वॉलेट बन चुका है बहुत आराम से, लेकिन वो जो फ्रेज आपने था वो आपको अपने गूगल ड्राइव पे डाल दें, कहीं पे भी उसको ऐसी जगह सेव कर दें कि कहीं और आपका पहुंच ना सके, क्योंकि वो आपका सिक्योरिटी रिकवरी फ्रेज है, ठीक है। तो ये आपका वॉलेट बहुत आराम से क्रिएट हो चुका है। अब इस वॉलेट को जिस प्लेटफॉर्म पे आप अपनी NFTs अपलोड करना चाह रहे हैं उस पे आप सिंक करेंगे। तो मैं जो प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया कि मैं OpenSea को रिकमेंड करूँगा स्टार्ट में, क्योंकि मैं इसका एक्सपीरियंस है, मैं आपको फ्यूचर में अगर दूसरे प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ तो वो भी बताऊँगा। अच्छा ठीक है, सबसे पहले आपने अपना अकाउंट बना चुके हैं, यहाँ पे आपका अकाउंट हो चुका है, बाय करना हो तो यहाँ पे अपना सिंक करवाएंगे बैंक। अभी मेरा जो है मैं सिंक नहीं करवाएंगे क्योंकि हम अभी क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे OpenSea में आएंगे, वॉलेट बना हुआ है यहाँ पे आइकन, वॉलेट पे क्लिक करेंगे, इसमें से आपने मेटामास्क पे क्योंकि आपने वॉलेट बनाया है तो मेटामास्क सेलेक्ट करेंगे, तो ये वाली एक पॉपअप विंडो हो जाएगी, ये वाला अकाउंट है, नेक्स्ट और कनेक्ट, ठीक है। यहाँ पे चेक बना हुआ आ गया, इसका मतलब आपका वॉलेट कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे बाहर कहीं पे भी क्लिक करें, और यहाँ पे आपके पास एक्सप्लोर है, ऑल NFTs पे जा सकते हैं। OpenSea का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, तो ये सारे जो है NFTs यहाँ पे मिल जाएंगे आपको जो चल रहे हैं ट्रेंड वगैरह में। अच्छा इसके अलावा आर्ट कलेक्टिबल्स वगैरह में यहाँ पे देखें, कलेक्टिबल्स में आएंगे तो ये देखें, इस पर खोल लेते हैं एक, और एक ये वाला खोल लेते हैं, तो ये देखें ये कलेक्टिबल्स यहाँ पे आ चुके हैं, इस तरह के NFTs इस बंदे ने बनाई, और इसने तकरीबन 7.9K आइटम्स अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखें हैज ऑफर कितने, इसके पास कितनी ऑफर्स हैं वो सब वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ये देखें 0.6 ही सेल पे लगाया हुआ, इससे पहले जितनी भी ऑफर थी वो सब, जैसे कि मैंने आपको अपना बताया था इंट्रो क्लास में, कि सब आप देख सकते हैं कि इसने बंदे ने कब बनाया, कितने का बनाया, किसको बेचा, उसके बाद जितनी भी ऑनरशिप चेंज हुई है वो सब यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद इसको बंद करते हैं, एक दूसरे पर चलते हैं। ये देखें इसने भी इस तरीके की, इस तरह की बहुत ज़्यादा चल रही है एनिमल से रिलेटेड, तो अगर आपको इस तरह के आर्ट में इंटरेस्ट है तो आप ये डिज़ाइन करें और इसके NFT के कलेक्टिबल्स अपलोड करें, ठीक है। तो ये वाले हो गए यहाँ पे। इसके बाद ये थोड़ा सा ओवरव्यू था, एक्सप्लोर पे जाके आप देख सकते हैं लोगों को, या वहाँ जाके बाय कर सकते हैं। इसके अलावा स्टैट्स वगैरह देख सकते हैं, रैंकिंग वगैरह, ये सब भी हमारा काम नहीं है, रिसोर्सेज भी हमारा काम नहीं है। ये जब मैं OpenSea की वेबसाइट ओवरव्यू करूँगा पूरी तो उसमें आपको क्लियर कर दूँगा। अभी हमारा काम है सिर्फ एक, वो है क्रिएट। क्रिएट पर आए तो ये बार बार साइन पूछेगा आपसे, तो आप साइन करते रहें, साइन करें यहाँ पे, ये आपका साइन हो गया। अभी ऑटोमेटिक जो है साइन करने के बाद आपको क्रिएट वाली स्क्रीन पे ले जाएगा। तो अब ये बोल रहा है क्रिएट न्यू आइटम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, अपना कोई सा भी आर्टवर्क अपलोड करता हूँ, समझे, मैंने एक ये वाला आर्टवर्क अपलोड कर दिया, कौन सा करें, ये वाला कर लेते हैं, ठीक है, माउंटेन वाला, ये वाला अपलोड किया, पिक्चर जिफ जेपेग जो भी आप चाहें अपलोड कर सकते हैं, इसका नाम दे दिया मैंने क्रीमी माउंटेन, कॉपी कर लेते हैं इसको। अगर ये एक्सटर्नल लिंक अगर आपको डालना चाहें कहाँ पे आपने लिया है, कैसे बनाया है और कुछ भी, वो डाल सकते हैं, मैं अभी इसको इग्नोर कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ क्रीमी माउंटेन, या आप चाहें तो फुली डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं कि भाई आपने कैसे बनाया है इसको, वो सब यहाँ पे आके लिख सकते हैं। अच्छा सेलेक्ट कलेक्शन, अभी हमने कलेक्शन कोई भी नहीं बनाई, कलेक्शन बनाना सिखा रहा हूँ अभी थोड़ी देर में आपको, तो यहाँ पे आके क्रिएट न्यू आइटम कर देंगे आप, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, चाहे तो
कि भाई ये जो है वो एक आइसक्रीम है, या आप ले सकते हैं कि जो भी आप लिखना चाहें वो ले सकते हैं, आइसक्रीम है और माउंटेन है, वो जाके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है अगर आप एथेरियम सेलेक्ट करेंगे तो आपके पैसे कटेंगे गैस फीस वगैरह। अगर आपको वो सब नहीं करना और आपको पॉलीगॉन क्लिक करना है तो यहाँ पे आप पॉलीगॉन पे सेलेक्ट करें। बेसिकली यहाँ पे गैस फीस कटती है, एथेरियम में आपको थोड़े पैसे देने पड़ते हैं अपलोड के लिए, और पॉलीगॉन फ्री होता है। वो क्यों पैसे देने पड़ते हैं, क्यों फ्री है, वो गैस फीस वगैरह की वजह से होता है, वो अभी हम उस टॉपिक पे नहीं है, सिर्फ क्रिएशन कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल आपका फ्री वाला काम है, अभी आप पॉलीगॉन पे क्लिक करें और यहाँ पे कुछ नहीं छेड़ना, वन है, सप्लाई एक अपलोड कर रहे हैं तो एक वन लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्रिएट कर देंगे, ठीक है। ये क्रिएट हो चुका है, यू क्रिएटेड क्रीमी माउंटेन। तो हमारा चौथा स्टेप भी हो चुका है। सबसे पहले हमने अपना अकाउंट बनाया वॉलेट, उसके बाद हमने सिंक कराया सेकंड स्टेप, उसके बाद हमने क्रिएशन की, वो कैसे क्रिएशन की थी, कौन सी वाला आर्ट था, मैं आपको अभी जो मैं आपको कलेक्शन बनाऊंगा उसमें बताऊंगा मैंने आपको कौन सा आर्ट बनाना सिखाया है। तो तीसरा स्टेप आर्ट बनाया, चौथा स्टेप हमने अपलोड कर दिया, और अब पाँचवा स्टेप है सेल करना, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप आ जाएंगे, यहाँ पे आके सेल करेंगे, सेल पे क्लिक किया, कितने एथेरियम में आपको सेल करना है, यहाँ पे 0.01 लिख देता हूँ यहाँ पे, और ड्यूरेशन जो है 1 मंथ रखा करें आप, और यहाँ पे आके कंप्लीट लिस्टिंग कर दें। जैसे ही कंप्लीट लिस्टिंग करेंगे आप, यहाँ पे आपको जो है बोलेगा अनलॉक करें करेंसी, अनलॉक कर दिया करें यहाँ पे, और साइन पूछेगा यहाँ से आपको, ठीक है। साइन पे क्लिक करें तो यहाँ पे एक दो दफ़ा करेंगे तो एरर आएगा। तो ये देखें यहाँ पे जो है मैंने 2-3 दफ़ा करा और यहाँ पे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे का शॉर्टकट बता देता हूँ आपको, आपको एरर देगा तो आप क्या करेंगे, मेटा मास्क वाली जो पेज था यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे आके इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे साइन इन वाला ऑप्शन आएगा, वो साइन इन कर देंगे, ठीक है। जैसे ही साइन इन करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्टेड, और यहाँ पे भी कनेक्शन बना हुआ आ जाएगा। इसके बाद ऑटोमेटिक ये पूछेगा कि साइन मैसेज, आप साइन करें दोबारा साइन करेंगे, और ये तो बहुत आराम से हो जाएगा। तो योर NFT इज लिस्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी NFT लिस्ट हो चुकी है 0.01 एथेरियम में, मतलब $29 की, और यहाँ पे आपका मिंट यहाँ पे देखें सब आपका बन चुका है। अब जैसे जैसे लोग आपको ऑफर देंगे वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी ऑफर्स में, और वहाँ जाकर आप एक्सेप्ट करेंगे तो ऑनरशिप वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। अब देखें अभी हमें आना है, अगर हमें यहाँ पे अपने कलेक्शन बनाना है तो क्रिएट यहाँ पे प्रोफाइल पे आएंगे, माय कलेक्शंस पे, तो ये देखें अभी एक बना हुआ यहाँ पे लिखा हुआ है अनटाइटल्ड कलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट अ कलेक्शन करेंगे यहाँ, और यहाँ पे कलेक्शन की कोई सी भी तस्वीर अपलोड करेंगे, समझे। ये वाला अभी मैं ये वाला आर्ट आपको बनाना सिखा रहा हूँ पूरी NFTs की, तो वो जो है आपको मैं अपनी फ्यूचर क्लास में ट्रैमलेस बताऊंगा, आप वहाँ जाके सीख सकते हैं। फीचर आइटम में भी मैं यही लगा देता हूँ, ठीक है। बैनर आइटम में भी मैं यही लगा देता हूँ फिलहाल, आप चाहें तो उसको अपग्रेड वगैरह कर सकते हैं, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में अपने आर्ट को अपडेट किया है। यहाँ पर डेडपूल लिख देता हूँ, डेडपूल NFT या डेडपूल, देखें सही है, यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आर्ट या कलेक्टिबल्स, जो आपका दिल करे वो सिलेक्ट करें। कलेक्टिबल है तो मैं कलेक्टिबल पे डालूंगा, और इस तरह के मैं और भी कलेक्शन अपलोड करूँगा। तो यहाँ पे वही जैसे मैंने आपको बताया पॉलीगॉन करना है, और यहाँ पे अब देखें क्रिएटर क्या है, क्रिएटर अर्निंग क्या होती है। यहाँ पे अगर मैं 5% लिखता हूँ तो जब भी ये सेल होगी तो उसका मुझे जितने भी ऑनरशिप चेंज होगी मुझे उसके 5% यहाँ पे मिलेंगे, तो ठीक है। मैं ये कर देता हूँ, ये वाला कवर्ट कर देता हूँ, और देखें यहाँ पे कोई एरर आ रहा है, पे आउट वॉलेट एड्रेस बोल रहा है आपको लिखने का। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आएंगे आप अपनी NFT के वॉलेट पे, यहाँ पे ये बना हुआ है अकाउंट वन, नीचे 0xc वगैरह लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉपी टू क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है, इसमें मैं क्लिक करूँगा ये तो कॉपी हो गया, यहाँ पे आके कंट्रोल वी पेस्ट हो गया, ठीक है। तो आपके वॉलेट पे मैंने लगा दिए। अब मैं इसको क्रिएट करता हूँ, तो देखें जैसे मैंने क्रिएट किया तो यहाँ पे NFT की कलेक्शन मेरी क्रिएट हो चुकी है। अब मैं अपने यहाँ पे आके दिखा देता हूँ आपको माई कलेक्शन में, तो ये दो बन चुका है, एक डेडपूल NFT और एक ये वाली जो थी ये मैं डिलीट कर दूंगा NFT, क्योंकि ये मैंने सिर्फ आपको सैंपल बताया था कैसे आपको अपलोड करना है, तो ये बाद में जाकर मैं डिलीट कर दूंगा। अब ये वाली जो NFT की है डेडपूल कलेक्शन में, अब मैं यहाँ पे देखें नो आइटम टू डिस्प्ले, अब यहाँ पे ऐड आइटम करूँगा,
और वही डेडपूल वाली एनएफटी जो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा अपनी अब नेक्स्ट क्लास में, वो डेड बेसिकली पहले हमने अपनी कलेक्शन की कलेक्शन बनाई थी, अब उसमें मैं अपलोड कर रहा हूँ डेडपूल एनएफटी। ठीक है, ये यहाँ पे अपलोड करी और बाकी सब जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टी वगैरह बताया था थोड़ी देर पहले, यहाँ पे आके क्रिएट कर दूंगा। जैसे ही मैं क्रिएट करूंगा, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे ये जो है वो क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आपको सेल करना है, यहाँ पे 0.01, ड्यूरेशन 1 मंथ, और यहाँ पे कंप्लीट लिस्टिंग साइन करना है आपको। अब देखें कितने आराम से हो जाएगा, एनएफटी लिस्ट हो चुकी है। तो यहाँ तो देखें, यहाँ पे हमने 2 NFTs अपलोड कर चुके हैं अपने, एक तो जीरो यहाँ से एरो का देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास वही वाला साइड व्यू आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखें हमने 2 अपलोड करी है, क्रीमी माउंटेन NFT। क्रीमी माउंटेन मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए किया था, ये जो NFT मैं आपको बनाना भी सिखा रहा हूँ अपनी नेक्स्ट क्लास में, और यहाँ से अपलोड करना भी आपको बता दिया है। तो ये 5 स्टेप में आपकी NFT अपलोड हो जाएगी। अगर कोई ऑफर आएगी तो आपको डिस्प्ले में आ जाएगा, या आपको ईमेल वगैरह आ जाएगी आपके ईमेल पे कि आपको कोई ऑफर आई है, तो वहाँ से जाके आप उसको अवेल ऑफर करना चाहते हो कर सकते हैं, या तो उसको काउंटर ऑफर दें या आप उसको रिजेक्ट करके इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं अपनी फ्यूचर क्लास में ये NFT बनाना सिखा रहा हूँ, और उसके बाद बताऊँगा कौन सी NFTs आने वाली हैं, पूरी NFT की एक सीरीज चलाएंगे, और ताकि आपको उससे कुछ सीखने को मिले या आपको उससे अर्निंग वगैरह हो। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि मेरी फ्यूचर वीडियोज आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू।